हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत कर सभी का एक बार फिर से एक ट्रक ड्राइवर ब्लॉग से एक नए से वीडियो में। दोस्तों कल लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा हो तो भाई रीवा में पहुंचे थे हम और उसके बाद ब्लॉग ख़त्म कर दिए थे। अभी भाई है रात को ड्राइव करने के बाद जबलपुर से ही हम जाने वाले थे मंडला। आप जैसे कि पहले वीडियो में जानते होंगे इसी मतलब इसके पहले वाली वीडियो में तो हमें कब तक पहुँच गए रहते बट 50 किलोमीटर का भाई रेंज घूमना पड़ा क्योंकि देवरी का जो पुल है बता रहे हैं लोग कि टूटा हुआ है, इस वजह से घूम के हमें जाना पड़ रहा है निवास हो के जो अपना जबलपुर से टोला के पार करने के बाद जो अपने मंडल वाले रास्ते में आते हैं वहाँ से 45 किलोमीटर घूम के वापस से जबलपुर वाले रोड में जाके और ऊपर से मंडला वाले रोड में जाते हैं। अगर इस रास्ते में आप लोग चले होंगे रायपुर भिलाई वगैरह गए होंगे तो इस रास्ते को बहुत लोग यूज़ करते हैं रायपुर जाने के लिए, और एक रायपुर जाने के लिए एक रास्ता गोंदिया के लिए निकलता है, गोंदिया से भी निकलता है। तो हम तो कभी हालांकि इस रास्ते में गए नहीं हैं बट पहला बार एक्सपीरियंस देखते हैं क्या क्या इस रास्ते में मिलता है। अभी तो कुछ ऐसा खासा व्यू दिख रहा था तो सोचा कि आप लोगों को यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा घाट है इसके लिए धीरे धीरे गाड़ी चल रही है तो आपको दिखाते हैं उधर बाहर में एक व्यू बहुत ही अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है सुबह का टाइम। और हाँ, आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, 6:30 हो चुका है सुबह सुबह का। यहाँ से मंडला करीब 60 किलोमीटर के आसपास है जो कि सामने आपको बहुत मारा हुआ दिख रहा है ना, 17 किलोमीटर लेफ्ट जाने के लिए बता रहा है। तो हम तो भाई सजेशन देंगे या तो आप जबलपुर से ही डायरेक्ट इधर आ जाओ क्योंकि आगे जाओगे भाई जबलपुर पार करके बाईपास तो उधर से जाओगे तो आपको फिर 50 किलोमीटर भाई रेंज घूमना पड़ेगा। ऐसे जबलपुर से आप डायरेक्ट दिल्ली आ सकते हो, 50 किलोमीटर का डीजल और टोल नाका भाई बचेगा आपका। तो ये देख सकते हो व्यू यहाँ का, अपन खाली करके गाड़ी जा देखते हैं भाई, अगर कुछ माल का प्रॉब्लम होता है जबलपुर से तो इधर से निकल जाएंगे सीधे सीधे।
पत्ते आने के लिए, उसके बाद हरा भरा हो जाएगा बसंत ऋतु तक। बसंत ऋतु थोड़ी नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह का व्यू वाइट वाइट सा दिख रहा है दोस्तों। अभी ये रास्ता जो है, जो हम छोड़े थे रात में करीब 3 बजे वहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ से पुलिया टूटा हुआ था, बैंक बंद किए थे रास्ता, और इसी रास्ते में जाके NH 30 नंबर के रोड में मिलना है हमें। जबलपुर से डायरेक्टली वो रास्ता निकलता है मंडला जाने के लिए, तो NH 30 नंबर का रोड है वो, तो उस रोड पर जाके ये रास्ता मिला देगा और मंडला आ जाएगा। मंडला लगता है एक घाट ही घाट है मंडला में। और एक और चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि अमरकंटक जगह से नर्मदा नदी का निष्कासन भी होता है यहाँ पे, तो मंडला यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर है यहाँ से। और आपको बताया जैसे कि इधर ही से निकलती है नर्मदा नदी।
स्थान अमरकंटक नाम की जगह है, मंडल वहाँ से निकलते निकलते चारों तरफ महाराष्ट्र पूरा फैलती है दोस्तों। ये स्थान इधर से भी चौड़ा इधर से भी दोस्तों चौड़ा है पूरा रास्ता नदी है देख सकते हो। मंडला सिटी में चला जाएगा, हाँ ये रास्ता सिटी में चला जाएगा और रायपुर भी लेके जाएगा, बट हमें बाईपास पे ही राइस मिले तो उसी पर जाना है तो चावल फ्लोर की खाली करने के लिए। देखो देख सकते हो NH30 नंबर का बोर्ड भी मारा हुआ है। चलो आप डायरेक्ट भाई राइस मिल के पास पहुँच के उसके बाद आपको आपसे मिलते हैं लोगों में। और इतना पतला रास्ता दिख रहा होगा ऊपर के पेड़ के डाल है भाई, ये भी ब्लड रहा है लगता है भाई सार्वजनिक फाड़ देगा ऐसा। तो इधर ही राइस मिल है सभी बाईपास छोड़ने के बाद पूरा सिंगल ही सिंगल रास्ता है देख सकते हो। लगभग 2 किलोमीटर और जाना है हमें, 3 किलोमीटर बाईपास से नीचे उतर के बता रहा हूँ। चलो पहुँचते हैं, मतलब रास्ता को दिखाना था कितना सकरा रास्ता है। हो चुका है और पहुंच गए हैं फाइनली मिल के पास। और यहाँ पे भाई केवल गेहूं की खेती ही खेती दिख रही है आपको। मिल में जा रहे हैं पेपर जमा करने के लिए, देखते हैं कब तक खाली होती है गाड़ी। चलो दिखाते हैं आपको मिल। सो दोस्तों शाम का 6 बज चुका है और अभी तक गाड़ी खाली नहीं हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों कि जो अपने गांव के बिहार के लोग आते हैं खाली करने के लिए माल, तो वो छुट्टी पे गए हैं और यहाँ के लोकल आदमी अभी आए नहीं हैं खाली करने के लिए। यहाँ से 2-3 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है तो इस वजह से खाली नहीं। हमें लग रहा था भाई यही होगा कि मतलब गाड़ी खाली नहीं होगी जाने के बाद, तो इस वजह से खाली नहीं हो रही गाड़ी। और ये रहा मिल जहाँ पे हम लोग आए हैं, रिटर्न उधर से घुमा के ला दिए गाड़ी और यहाँ पे लगाए थे, खाना पीना बनाए और तब से सो रहे हैं। नींद लग रही थी क्योंकि रात भर जगे थे। तो अभी जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए, देखते हैं उधर से कुछ मिलता है ले लेंगे और उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है। चलिए।